तो भाई जो आप देख रहे हैं ये रास्ते हम ले चल रहे हैं आपको एक ऐसी जगह पर जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। मैं दिखाऊंगा आपको एक ऐसा ऐतिहासिक और रहस्यमयी चीज जो आप सोचे भी नहीं होंगे, और मैं आज उसे कराऊंगा आपको रूबरू। बहुत ही ऐतिहासिक चीज है, उसका हो चुका। चलिए गाइस, मैं आपको देता हूँ एक क्लू, उसका हो चुका है निर्माण हुए लगभग 156 साल। तो गाइस गेस कीजिए कि वो चीज क्या हो सकती है, और अभी भी है अपने पूरी तरह से सुरूर में, शबाब में, जोश में। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि हम खड़े हैं इस समय ओल्ड नैनी ब्रिज के जस्ट बगल में, या कह सकते हैं ओल्ड नैनी ब्रिज के नीचे। तो गाइस आपको हम बताना चाहते हैं कि ये ब्रिज बहुत ही, कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज में से एक है जो ये नैनी का ब्रिज बना हुआ है। गाइस इसका देखिए, ज़रा पिलर देखिए, ये सारी पिलर्स ईंटों की बनी हुई हैं, और लगभग मान के चलिए इसमें 14 पिलर हैं, टोटल 14 पिलर हैं। बीच वाला एक पिलर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इस समय इसको बना रहे थे, लोग बताते हैं और विकिपीडिया पे भी सर्च करने मिलता है कि इसमें आया था, जिसमें बन रहा था उस समय इसमें बाढ़ का सीजन चल रहा था, और जब भी पिलर बना रहे थे तो बह जा रहा था, तो इसको बना दिए लोग काफ़ी चौड़ा। तो गाइस उस समय जिसने बनाया था उस इंजीनियर का नाम तो सर्च करने विकिपीडिया में रेंडल मिला है, रेंडल ने इसको जो है डिज़ाइन किया था। गाइस जा रही सामने से धूप, हो सकता है मुझे कुछ आंखों में कुछ रोशनी आ रही है जिसकी वजह से हो सकता है आंखें न खुल रही हों। तो गाइस एंजॉय करिए, अभी भी ये पुल जो है पूरी तरह से अपने कार्य में एकदम लीन है, कार्यरत है। तो गाइस एंजॉय कीजिए आप, कम से कम 4 गाड़ियां तो अपने सामने गुजर चुकी हैं, क्या इंजीनियरिंग है। गाइस आप देख पा रहे होंगे कि पीछे नया वाला भी पुल दिखाई दे रहा है, जिसका निर्माण 2004 में हुआ था और 2005 में पब्लिक के लिए उसे ओपन कर दिया गया था। तो गाइस हम आपको बताते चलें कि यह पुल जब 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए जब पहली ट्रेन चली थी, तो उसी से प्रभावित होकर यह हुआ कि अब दिल्ली से हावड़ा रूट के लिए क्या किया जाए, बीच में तो पड़ रही है जमुना जी, तो इस पर इंजीनियरों ने जब सर्वे किया तो उसके बाद इसका निर्माण जब शुरू हुआ, तो यहाँ से आज तक अभी तक कोई दूसरा पुल नहीं बना, यही एकमात्र पुल है जो कि आपके दिल्ली से और पुराने नैनी को ओल्ड ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और इसको आज भी यही जोड़ता है, और लगभग 200 ट्रेनों का आवाजाही है जिसमें मालगाड़ी सवारी गाड़ी दोनों ही आती जाती हैं, और जितनी भी दिल्ली हावड़ा रूट की ट्रेनें हैं यहीं से अभी भी चल रही हैं। देखिए गाइस एक ट्रेन गई और एक ट्रेन अभी फिर भी आ रही है। मेरा मकसद यहाँ था आपको घुमाना और जमुना जी के किनारे आपको सैर कराना, मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं थोड़ी बड़ी जानकारी आपको दे देनी चाहिए, जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे विकिपीडिया में जाकर गूगल कर सकते हैं। गाइस इसमें ऊपर जो ट्रेन के लिए लेन बनी है उसमें 2 हैं, और जो नीचे पब्लिक के लिए हैं सड़क मार्ग है उसमें 4 लेन का है, बीच बीच में इसके जो है गाटर और ये सब चीज़ों का चेंजिंग होती रहती है, ऐसा नहीं है कि जैसे बना था एज इट इज वैसे ही है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन बीच बीच में होता रहता है। तो गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे गऊ घाट पुल, पुराना नैनी पुल, ओल्ड ब्रिज कई नामों से जाना जाता है, आज भी उसी तरह से प्रचलित है और आज भी उसी तरह से चलन में है जैसे पहले था। लेकिन गाइस 2004 और 5 के बाद से जब नया पुल बन गया तो उसमें पब्लिक के लिए आने जाने का रास्ता ओपन हो गया, इसका जो सड़क मार्ग है उसमें केवल लाइट व्हीकल, केवल LMB गाड़ियां ही आती हैं, बड़ी गाड़ियां यानी ट्रक वगैरह भार वाहक गाड़ियों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। गाइस मैं आया था यहाँ आपको एक टूर कराने, शेयर कराने, आपको यहाँ का एक ग्लिम्स देने, एक झांकी देने कि जमुना जी का आप भी आनंद लीजिए।
तो गाइज अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। अगर आप करेंगे लाइक तो मुझे मिलेगा मोटिवेशन, मैं आपको इसी तरह के और भी कंटेंट्स इलाहाबाद और प्रयागराज से संबंधित जब तक मैं यहाँ हूँ इस तरह से देता रहूँगा। अगर आप मुझे इस तरह से प्रमोट करते रहेंगे तो मैं आगे भी चलूँगा और आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स ले आ करके अपने वीडियो पर अपलोड करूँगा, आपको दिखाऊँगा, आपको आपके साथ टहलूँगा, घूमूंगा, फिरूँगा, सब कुछ करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।